सूरत में आज अद्यतन होस्टेल खातमुहूर्त थशे। पीएम मोदी वर्चुअली कार्यक्रम में उपस्थित रहेशे। सौराष्ट्र पटेल सेवा समाज द्वारा होस्टेल और अतिथिगृह निर्माण थशे। 200 करोड़ खर्चे होस्टेल और अतिथिगृह बनशे। सीएम भूपेन्द्र पटेल, केन्द्रीय और राज्यमंत्री आ कार्यक्रम में उपस्थित रहेशे। सौराष्ट्र पटेल समाज अनेक आगेवानो और उद्योगकारों हाजर रहेशे। होस्टेल में 2200 विद्यार्थियों की रहेवा जमवानी सुविधा हशे। संवाददाता शैलेश त्रिवेदी सूरत थी लाइव जोड़ाई गया है। जानिए शैलेश, आज सूरत में अद्यतन होस्टेल पीएम मोदी हस्ते वर्चुअली उद्घाटन थवानु छे। उपस्थित आज आ कार्यक्रम में रहेवानु छे। शू छे विगत, केटला वागे आ कार्यक्रम छे, खास आ होस्टेल नी विशेषता केवी हशे, केटलो विद्यार्थीओ माटे आ सुख सुविधा वाली होस्टेल हशे? तो सूरत में आज अद्यतन होस्टेल खातमुहूर्त, पीएम मोदी वर्चुअली आ कार्यक्रम में आज उपस्थित रहना है। सौराष्ट्र पटेल सेवा समाज द्वारा होस्टेल और अतिथिगृह निर्माण थानू है। तो 200 करोड़ खर्चे आ होस्टेल और अतिथिगृह निर्माण पाबना है। सीएम भूपेन्द्र पटेल, केन्द्रीय राज्यमंत्री आ कार्यक्रम में आज जोड़ना है। सौराष्ट्र पटेल समाज अनेक आगे और उद्योगकारों हाजर रहते। तो आ होस्टेल में 2200 विद्यार्थियों की रहेवा जमवानी पण सुविधा उपलब्ध हशे। पीएम मोदी वर्चुअली कार्यक्रम में आज हाजर रहेवाना छे। सूरत में अद्यतन होस्टेल और अतिथिगृह। खास 2200 विद्यार्थियों की रहेवा जमवानी सुविधा आ होस्टेल में हशे। आज खातमुहूर्त होस्टेल और अतिथिगृह सूरत में थवानुं छे। पीएम मोदी वर्चुअली जोड़ावाना छे। साथ ज आ कार्यक्रम में सीएम, केन्द्रीय राज्य मंत्रीओ पण हाजर रहेशे। आज सौराष्ट्र पटेल समाज माटे एक अनेरो उत्सव छे, अनेरो दिवस छे। सौराष्ट्र पटेल सेवा समाज सूरत द्वारा होस्टेल 200 करोड़ खर्चे होस्टेल निर्माण थवानू छे। आ 200 करोड़ खर्चे जे होस्टेल निर्माण थवानू छे तेमा 1000 विद्यार्थीओ माटे अने 500 विद्यार्थिनीओ माटे व्यवस्था करवामां आवशे। साथे साथे अहींया एक अतिथिगृह पण बनवानू छे। वडाप्रधान श्री नरेन्द्रभाई मोदी आजे दिल्ली थी विडियो कॉन्फरन्स द्वारा आ खातमुहूर्त करशे, ज्यारे राज्यना मुख्यमंत्री जे भूपेन्द्रभाई छे, भूपेन्द्रभाई पटेल, ए अहींया उपस्थित रहेशे। अत्यारे समग्र सौराष्ट्र पटेल समाजना आ श्रेष्ठीओ ट्रस्टीओ अहींया उपस्थित थया छे। सौ कोई 21 लाख रुपियानुं जेमणे दान, मातबार दान आप्युं छे, एवा सौ ट्रस्टीओ अहींया उपस्थित थया छे। साथे साथे खूब मोटी संख्यामां लोको पण अहींया उपस्थित थया छे। आ समग्र प्रोजेक्ट अंगे थोड़ीक विगतो मेळवानो, जाणवानो आपणे प्रयास करीए छे, अने समग्र विगतो शुं छे, प्रोजेक्ट केवी रीते साकार थशे, साथे साथे आ प्रोजेक्टमां कोण कोण सहभागी थशे एनी पण विगत मेळवानी आपणे कोशिश करीए। डॉक्टर साहेब, आ आखो प्रोजेक्ट कई रीते साकार थशे, कोण कोण जोडायुं छे? सामान्यतः सौराष्ट्र पटेल सेवा समाजनो सपनो हतो के कोई पण रीते वराछा विस्तारमां विद्यार्थीओने वाचन माटे जे तकलीफ पड़े छे ते जीवારો માટે काम करवो और एक सरस होस्टेल बनाव। कांजीभाई ने पहले चीज एवं ध्येय तो कि कांजीभाई सूरत में आया तरह जमने जो तकलीफों पड़ी है ये तकलीफों दूर विद्यार्थी मैंने दूर करने संकल्प लाई और आ होस्टेल निर्माण करो नक्की करो। 2011 समूह लग्न में पायो नकाणो जमीन लेवाने त्यार पछी धीरे धीरे करता आज आ तारीखे आपणे अहींया पहोंच्या छे। साथे साथे यूपीएससी सहित स्पर्धात्मक परीक्षाओं माटे पण अहींया व्यवस्था कराशे, क्लासेस नी कोचिंग। आ होस्टेल बॉयज एंड गर्ल्स
એમના માટે આપણે આ બનાવવા જઈ રહ્યા છીએ. પટેલ સમાજના દીકરાઓ યુપીએસસી જીપીએસસીની તૈયારી કરતા હોય, કોલેજ કરતા કરતા સાથે સીએની જે લોકો તૈયારી કરતા હોય, સીએસની તૈયારી કરતા હોય એવા વિદ્યાર્થીઓને આ હોસ્ટેલની અંદર એડમિશન આપવામાં આવશે અને એમના કોચિંગ પણ અહીંથી જ તૈયાર થશે. એમના માટે લાઇબ્રેરીની પણ વ્યવસ્થા આ હોસ્ટેલમાં કરવામાં આવી છે. સાથે સાથે એમને જે પણ કોઈ ટેકનિકલ માર્ગદર્શનની જરૂર પડે તો પણ એમના માટેની અહીંયા વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે. સાથે સાથે અતિથિગૃહ 100 વ્યક્તિઓ રહી શકે એવું એક અતિથિગૃહનું પણ ભવ્ય નિર્માણ થવા જઈ રહ્યું છે. આ પેજ 1 છે. પેજ 2 ની અંદર 500 દીકરીઓ રહી શકે એવી વ્યવસ્થા પેજ 2 ના ભાગમાં થશે. એ દીકરીઓ બહારગામથી આવતી હોય અને અહીંયા નોકરી કરતી હોય તેવી દીકરીઓ છે. યુપીએસસી જીપીએસસીની તૈયારી કરતી હોય એ દીકરીઓ માટેની એક ભવ્ય વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. ચોક્કસ હું ફરીથી આ સમગ્ર પ્રોજેક્ટ અંગે થોડીક આઉટલાઈન આપું. તો ગુજરાતમાં પ્રથમ વખત આવું ભવ્ય હોસ્ટેલ બની રહી છે અને સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓની તૈયારી કરતા તમામ વિદ્યાર્થીઓ માટે આ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. પાટીદાર સમાજે એક અલાયદી વ્યવસ્થા કરી છે. રૂપિયા 200 કરોડનો ખર્ચ થવાનો છે. ફેઝ 1નું આજે ખાતમુહૂર્ત છે. ફેઝ 1-2માં બહેનો માટેની જે હોસ્ટેલ છે એ બનાવવામાં આવશે. સમગ્ર આયોજન એકદમ પ્રોફેશનલી કરાયું છે. સાથે સાથે સમગ્ર પાટીદાર સમાજના કોઈ પણ વિદ્યાર્થીને અહીંયા રહીને ભણવું હોય તેવી વ્યવસ્થા પણ કરવામાં આવી. બિલકુલ, ધન્યવાદ શૈલેષ જાણકારી માટે.